Now we will move to the new topic, that is your types of conductance. Fine. Types of conductance के बारे में पढ़ेंगे हम. There are two types of conductance. देखो हम ये chapter में जो पढ़ने वाला that is all related with the solutions. कि हमारे पास जो solution है, जो मेरे पास electrolytic solution है, उसकी conductance पढ़नी है हमें. कैसे वो काम करेगा, कितनी conductivity देगा, कितने time तक it will give me the product. After how much time it is going to give me the product. Okay, so that all thing we are going to study in this chapter. So the types of conductance, there are basically two types of the conductance. One is known as your chemical conductance. ये कौन सा है तुम्हारा? Chemical conductance. दूसरा कौन सा है तुम्हारा? Ionic conductance. कौन सा है आपका? Ionic conductance. ठीक है? Electrical conductance. और you can say that electrical conductance की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ metallic conductance की. किसकी बात की जा रही है? Metallic conductance. मतलब मेरे पास सपोज वायर है, किसकी बात कर रहे हैं हम? मेटेलिक कंडक्टेंस. अगर मेरे पास सिंपल वायर है एक, तो ये कैसा कंडक्टेंस देगा? वो किस में पढ़ते हैं हम? इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. वेयर इज मेरे पास एक सॉल्यूशन है, अगर मुझे किसी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पढ़ना है, सो दैट ऑल कंडक्टेंस कम्स अंडर द आयनिक कंडक्टेंस. फाइन. अच्छा, लेट अस स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देयर आर फ्यू टॉपिक्स व्हिच वी नीड टू रिलेट. टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस में दो है मेन, मैंने कहा एक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, दूसरा है आयनिक कंडक्टेंस. इन द आयनिक कंडक्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस, दैट हाउ द सॉल्यूशंस आर गिविंग यू द कंडक्टेंस, ऑन व्हाट फैक्टर्स दे विल डिपेंड. वेयर इज द मेटेलिक और यू कैन से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इट इज रिलेटेड विद द सॉलिड मेटल्स, दैट हाउ द मेटेलिक और हाउ द मेटल्स आर गिविंग देयर कंडक्टेंस. सो मेटेलिक कंडक्टेंस का फर्स्ट जो हमारे पास है, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल. किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल. कैसा है मेरा मेटल? इफ इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गोइंग टू कंडक्ट अ लॉट. ठीक है? जैसे कि द बेस्ट मेटल दैट विच कैन गिव यू द बेस्ट कंडक्टेंस इज द सिल्वर. हमें पता है कि सिल्वर इज द मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट सिल्वर इज वेरी एक्सपेंसिव, दैट इज वाई वी कैन नॉट यूज इट फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और इन द मेटेलिकल कंडक्टेंस. बट वन ऑफ द बेस्ट एलिमेंट विच इज यूज इज द योर सिल्वर. सिल्वर इज द वन विच इज द वेरी गुड कंडक्टर इन इट्स फॉर्म. बट नाउ डेज वी नो दैट वी आर यूजिंग कॉपर वायर्स. हमारे एप्लीकेशन में कॉपर वायर्स यूज हो रहे हैं समवेयर, इवन एल्यूमिनियम इज ऑल्सो यूज. So these are the few elements which are very good conductor in nature. Okay, now how that metal is also depending. That metal depends upon the number of the valence electron per atom. कितने valence electrons है उसके उसमें? ठीक है, एक है, दो है, तीन है, जिसके हमें पता है. If I am using aluminium wire, it is having three in the valence electrons. ओके, सेम वे मेरे पास कॉपर है, कॉपर भी बहुत अच्छा मेटल है. इसके अंदर मेरे पास इफ आई एम समिंग अप, आई एम हैविंग टोटल 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस. पूरे 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे मेरे पास. सिल्वर में भी मेरे पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है वो. ठीक है, सो दिस आर द फ्यू विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जितने ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा क्या आएगी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा उसमें फॉर्म होगी. ओके, आफ्टर दैट द थर्ड इज टेम्परेचर. इफ इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. देखो, अगर मेरे पास अब इलेक्ट्रिकल वायर है, जब मेरे पास इलेक्ट्रिकल वायर है, दिस इज माई वायर, इन दिस वॉट इज हैपनिंग, अगर मैंने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है, मैंने इस वायर को गर्म कर दिया है. गर्म करने के बाद अब जब मैंने इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजर किया, तो क्या हो रहा है? इट इज डिक्रीजिंग. हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया विद टेम्परेचर. वाई इज इट सो? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द वायर. देखो, हमें पता है कि मेरा जो मेटल है, ये जो मेरा वायर है, किससे बना है? मेटल से बना है. सो मेटल के एटम्स उसमें पूरे अरेंज होंगे. इसमें तुम्हारे पास कौन सी होगी? मेटेलिक बॉन्डिंग होगी. इट विल बी हैविंग मेटेलिक बॉन्डिंग. कौन सी हो जाएगी हमारे पास? पूरे के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग. आपको पता है मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे होती है? इट इज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. मेटेलिक बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं होता है हमारे पास. वी आर जस्ट हैविंग, सपोज आई एम शोइंग यू अ शीट ऑफ मेटल इज देयर. ठीक है, सो इसमें पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स होते हैं. दिस वे यू आर हैविंग पॉजिटिवली चार्ज, दिस आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स. क्या है ये आपके? पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स हैं, अराउंड विच देयर इज अ बेड और यू कैन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर. ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दिस इज नोन एज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन.
ओके व्हाट इज देयर, देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस आर द पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स आर देयर. अब जब मैंने क्या किया, सो दिस आर द इफ आई एम कंस्ट्रक्टिंग दिस ऑल द वे, तो ये मेरे एटम्स है, ये जो मेरे एटम्स है ना उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो मेरे पास कर्नल्स है, कर्नल्स आर बेसिकली न्यूक्लियस, क्या होता है मेरा न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन, प्लस कोर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज माई कर्नल. मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है, कर्नल है. मतलब जो ये बाहर दिख रहे हैं कौन से इलेक्ट्रॉन्स है मेरे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कौन से है मेरे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. फाइन, सो नाउ व्हेन आई एम हीटिंग इट, जब मैंने इसी सब्सटेंस का, इस वायर को अगर मैं बड़ा करके देखूँ तो इट विल बी दिस, इट इज हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. जब मैंने इसमें हीटिंग इफेक्ट दी है, व्हेन आई एम पुटिंग द हीटिंग इफेक्ट, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है, व्हाट विल हैपन, दिस पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स विल बी having their own vibration. वो क्या हो जाएंगे, heat absorb करके and they will vibrate at their position. क्या हो जाएगा, vibrational, you can say vibrational motion will be generated. क्या हो जाएगा, vibrational motion होगा उसमें. अगर heat ना करूँ और सिर्फ if we are adding this in the circuit, then only electrons are going to flow. ये जो valence electrons है वो after applying the potential from outside, they are going to undergo the your potential difference. Under the potential difference, they are going to move from low potential to higher potential. Okay? So same thing is there. But जब यहाँ पर इसका मैंने क्या किया, जब मैंने temperature increase किया, now the atoms are not in their position anymore. They are now having vibration. वो अपनी ही जगह पर क्या कर रहे हैं, they are vibrating like this. So the vibrations are there. The energy is used in the vibration. And those vibrations of the this kernels, when these kernels are vibrating at their place, when they are vibrating like this, they are going to restrict or they will slow the motion of the electrons which are flowing in between. समझ आ रही मेरी बात, कि जैसे मुझे निकलना है वहां से, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, आई हैव टू गो आउट ऑफ देम, सो टू मूव फ्रॉम देयर मुझे क्या चाहिए, खाली जगह चाहिए. पर अगर दे विल बी ऑल्सो मूविंग, वहां पे जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, इफ दे आर ऑल्सो मूविंग लाइक दिस, देयर इज अ वाइब्रेशन इन दोस डग्स ऑल्सो, सो आई विल बी नॉट एबल टू पास सो इजीली. सो दैट रेस्ट्रिक्स और दैट लोअर्स द टेम्परेचर, दैट रेस्ट्रिक्स और लोअर द योर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. बात समझ आई, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर पर जब है, सो कर्नल्स आर नॉट वाइब्रेटिंग एट ऑल, दे आर एट द पोजिशन. सो इलेक्ट्रॉन्स कैन इजिली, वॉट आई वॉन्ट टू से इज दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन इजिली मूव फ्रॉम हेयर देयर एंड हेयर एंड देयर. बट वेन वाइब्रेशंस आर देयर, दोज वाइब्रेशंस आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट और स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. मूवमेंट को क्या कर देता है, वो स्लो कर देता है, दैट रेस्ट्रिक्ट दैट, और यू कैन से दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. That resists the flow of electron, and that is why what will happen when the resistance is there, electrical conductance decreases. Now moving to the second part, that is the ionic conductance. See what happened, whenever a solution is there, agar mere paas koi ek solution hai, jis solution ke andar maine kya kiya hai, koi bhi ek salt dal ke rakha hai, theek hai, maine koi bhi ek salt dala hai. I know in a aqueous solution the salt is definitely going to give me ions. So those ions are basically formed. Suppose maine NaCl, I am adding NaCl. मैंने NaCl को add किया है. It is going to give me ion Na plus and Cl minus. Okay? So here we can see that Na is giving electrons. And क्या देखा हमने? Ion जो तुम्हारा form हुआ है, sodium ion. वो क्या है? Sodium has given its electron to the chlorine. Chlorine is accepting the electrons. So what will happen here? The exchange of electrons is there. Wherever the involvement of electron is there, it is definitely going to give you the electrical conductance. So that is the one thing. यहाँ पे क्या बन रहे हैं मेरे पास, ions बन रहे हैं, ये ions बन रहे हैं, and the ions, one is deficient of electron and another is more of the electron, or you can say sufficient or more than required amount of electron is there. Same thing is there. So for the ionic conductance, what are the factors which are affecting the ionic conductance? फर्स्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मेरे पास कैसा इलेक्ट्रोलाइट है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं पढ़ूँ, मुझे ऐसा कहा जाए कि कौन से नेचर का इलेक्ट्रोलाइट है, नेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर इन द फॉर्म. देखो नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, वी विल हैव द डिस्कशन ओवर दैट ऑल्सो. यस, नेचर में मुझे देखना पड़ेगा कि हमने जो ऐड किया है, वॉट एवर द सॉल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट आई एम एडिंग, इज दैट इलेक्ट्रोलाइट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या क्या वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है.
ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जितने भी सॉल्ट्स होते हैं नॉर्मल, तुम्हारे पास जितने भी सॉल्ट्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो दे आर गोइंग टू गिव और दे आर गोइंग टू फर्निश, दे आर गोइंग टू फर्निश लॉट्स ऑफ आयन, लॉट्स ऑफ आयन. या तो हम ऐसे कह सकते हैं दीज सॉल्ट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ये क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू गेट टोटल डिसअसोशिएटेड. ये क्या करेंगे, पानी में कंप्लीट डिसअसोशिएट होते हैं, दे आर कंप्लीटली डिसअसोशिएटेड इन वाटर. क्या हो जाएंगे, पानी में डिसअसोशिएट हो जाएंगे कंप्लीटली. सो दे आर गोइंग टू गिव अ लॉट्स ऑफ आयन. वेयर एज इफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज देयर, वीक है, नंबर ऑफ आयन्स क्या हो जाएंगे, दे विल डिक्रीज. सो एट द सम वी कैन से दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नंबर ऑफ आयन्स क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ आयन्स इसमें ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग में, और वीक में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयन्स दे विल बी वेरी लेस. ओके, सेकेंड साइज ऑफ द आयन्स प्रोड्यूस बाय देयर सॉल्वेशन. ओके, नाउ सी देयर इज ऑल्सो वन थिंग कि अगर जब मेरे पास आयन बन रहा है, ठीक है, जैसे कि इफ आई एम टेलिंग यू कि अगर मेरे पास कोई आयन बना है, नाउ इट इवन डिपेंड्स अपॉन कि मेरे पास जो आयन बना है वो पानी के अंदर कैसा सॉल्वेशन स्फीयर बना रहा है. ओके, सपोज आई एम हैविंग, लेट अस सी कि एक मेरे पास लिथियम है और दूसरा मेरे पास उसी ग्रुप में लास्ट में सीजियम है. मुझे पता है लिथियम का साइज बहुत छोटा है, सीजियम का साइज बहुत बड़ा है. सो व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ द लिथियम, अ लॉट मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर इसको पानी में डाले तो बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दे विल कम एंड दे विल फॉर्म अ सॉल्वेशन स्फीयर नियर द लिथियम, एक बहुत बड़ा सॉल्वेशन स्फीयर बना देंगे. वेयर इन द केस ऑफ द सीजियम, सीजियम के आसपास अगर मैं ऐसे देखूँ ये मेरा सीजियम है तो इसमें पानी के बहुत कम मॉलिक्यूल्स लगेंगे, सिर्फ एक आध दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे. इसका रीज़न ये है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पे छोटी साइज होने की वजह से दे कैन बी ईजिली अट्रैक्टेड, हेयर बिकॉज ऑफ द वेरी लार्ज साइज द अट्रैक्शन इज वेरी लेस एंड दैट इज वाई द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर लिटरली गेटिंग वेरी लेस अट्रैक्टेड towards the cesium and the your solvation, you can say the hydration sphere is comparably small. यहाँ पर क्या हो जाता है, comparable small है. मैंने ये कहा कि अगर आपके पास छोटा कोई आयन हो तो उस छोटे आयन का सॉल्वेशन क्या है आपके पास, इट इज़ मोर एज कम्पेयर टू द सॉल्वेशन डन बाई द लास्ट स्फीयर. अगर आयन का साइज मेरे पास स्मॉल है तो सॉल्वेशन ज़्यादा रहेगा, सॉल्वेशन कैसा रहता है, काफ़ी ज़्यादा. वेरस अगर आयन का साइज मेरे पास लार्ज है तो सॉल्वेशन इफेक्ट कैसा रहेगा, इट विल बी लेस, बहुत ही कम रहेगा. अब सॉल्वेशन होने के बाद साइज बढ़ गया है मेरा, जब छोटा साइज था मेरे पास आयन का, इफ इट वाज अ स्मॉल साइज आयन तो सॉल्वेशन के बाद बहुत बड़ा हो गया. वेरस दैट लार्ज साइज आयन इज देयर, सपोज बड़ा एक है मेरे पास आयन तो उसका सॉल्वेशन स्फीयर बहुत छोटा रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता नहीं है. अब सॉल्यूशन स्फीयर की साइज, इसकी टोटल सॉल्यूशन स्फीयर की साइज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सॉल्यूशन साइज ऑफ द योर लार्ज साइज आयन एंड बिकॉज ऑफ दिस द मोबिलिटी डिक्रीजेस. इसकी मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी डिक्रीजेस. ये कम स्पीड से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दे पाएगा जबकि ये इट इज़ हैविंग मोर मोबिलिटी, इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. ओके, जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि पतला आदमी ज़्यादा दौड़ सकता है, मोटा आदमी कम दौड़ सकता है. ये पहले पतला था पर पानी आजूबाजू लगने के बाद ये मोटा हो गया है. सो आफ्टर बिकमिंग फैट मैन ही कैन इट कैन रन वेरी स्लोली, वेर एज दिस वॉज ऑलरेडी फैट एंड नाउ ओनली अ स्मॉल लेयर इज देयर. सो इट इज ऑल, सो वॉट आर द स्पीड इज देयर, इट इज मूविंग विद द सेम स्पीड ओनली, वेर एज द स्पीड ऑफ दिस इज द स्पीड ऑफ द थिन मैन हैज डिक्रीजेस. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द विस्कोसिटी कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तुम्हारे पास क्या नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी. अगर मैंने ऑयल ले लिया है तो कैसा है उसका नेचर, इट इज़ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है. सो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या आने वाली है, कम ही आने वाली है. फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि ऑयल है आपके पास, टर्पेंटाइन्स है, दे आर मोर विस्कस. सो विस्कस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी द सॉल्वेंट और यू कैन से विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इट डिक्रीजेस. फोर्थ, कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करता है कितने अमाउंट में मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला है. पहला पॉइंट क्या है, नेचर है कि नेचर कैसा होना चाहिए, इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, वी हम नेचर की बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट. पर उसके बाद व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट,
कंसेंट्रेशन मतलब इन शॉर्ट इट इज टेलिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. मैंने एक वन मोल डाला है, उससे ज्यादा मुझे टू मोल कंडक्टेंस दे. सो इट इवन डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. एंड द लास्ट इज द टेम्परेचर. विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. ठीक है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है. टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि इसमें मैंने क्या कहा, जैसे कि इसमें सॉलिड फेज में था, आयंस वाइब्रेट कर रहे थे, देवर रेसिस्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसको रेसिस्ट कर रहे थे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेसिस्ट कर रहे थे. पर अगर इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, इसमें कौन करता है? आयन इज द ओनली विच इज कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. इसमें कौन है कंडक्टेंस के लिए? दीज आर द आयन्स. सो वट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज गिवन बाय द इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से दिया जाता है. वेरस आयनिक कंडक्टेंस में कौन देता है? आयन्स देता है. जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, वेन आई एम इंक्रीजिंग टेम्परेचर, द एनर्जी इज गिवन टू द आयन्स. नाउ आयन्स आर गोइंग टू वाइब्रेट मोर, दे आर गोइंग टू हैव मोर मूवमेंट. द मूवमेंट इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है? द मूवमेंट ऑफ आयन्स इंक्रीजेस. And that is why what will happen? The electric conductance also increases. That is why we can say that the ionic conductance and the electric conductance. Basic difference क्या है दोनों के बीच में? Ionic conductance ions के वजह से दिया जाता है, वैसे electric conductance is given by the electrons. That is why the last point is having that much of difference. यहाँ पर क्या हो रहा है? जो ions है तुम्हारे, the atoms है तुम्हारे, यहाँ पे जो atoms है वो क्या कर रहे हैं? सॉलिड फेज में. दे आर नॉट इन अ मूवेबल फेज. सो बींग इन द सॉलिड फेज एंड वेन आई एम गिविंग द हीट, दे आर जस्ट गोइंग टू वाइब्रेट एट द प्लेस. ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करता है. दे आर ओनली गोइंग टू वाइब्रेट. मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको बताया मैंने, ओनली वाइब्रेशन में मोशन इज देयर. सिर्फ वाइब्रेट करेंगे. सो वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा है? दे आर रेस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. वेयर एज इन द केस ऑफ द आयनिक कंडक्टेंस, दोज आयन्स आर नॉट इन द स्टैटिक फॉर्म, दे आर ऑलरेडी इन द मोशन फॉर्म. सो इफ आई एम एडिंग द हीट, हीट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू देम. ओके, जो हमने हीट दिया वो कैसे काम कर रहा है? सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह. सो दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ आयन्स. I hope you have understood the conductance and its basic term very well. In the next lecture or in the next video, we will see the different type of the effect of the dilution. Thank you, everyone.